हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 15 से 20 मिनट में कंप्लीट एनडीए के 3D के सारे फॉर्मूले को रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो मान लो आपको एक लाइन पर दो पॉइंट दे रखा हो, तो आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1, इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। इसे ले लीजिए A और इसे ले लीजिए B और ये हो जाएगा आपका C। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया ABC। और डायरेक्शन रेशियो आ जाने के बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? A अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और C अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दो पॉइंट दे रखा हो तो आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकालेंगे। और अगर सेकेंड पॉइंट, अगर आपको एज सच वेक्टर दे रखा हो और डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना हो, तो सिंपली आई जे के का जो कोफिशियंट होगा वही क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन फिर से क्या हो जाएगा? इसी तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ये होगा बच्चों 100, क्योंकि इस केस में जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन कोसाइन ही आएगा। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? 0, 1, 0। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? 0, 0, 1, याद रखना बच्चों। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर आपको 3D में एक लाइन दे रखा है OA यानी जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, X के साथ इसका एंगल है अल्फा, Y एक्सिस के साथ एंगल है इसका बीटा और Z एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है गामा। तो इस केस में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा? 1K। और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, यही क्या होगा इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। और रिलेशन क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होगा। और इसी को अगर आप साइन में बदलना चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल। इसी को आप चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा करेंगे तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा बच्चों? 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट बच्चों, अगर दो लाइन दे रखा हो और दोनों का डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो, अगर L1 L2 के पैरेलल होगा तो A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यानी इसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा? ऑलवेज 0। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट दे रखा और डिस्टेंस 3D में कैसे निकालते? बहुत ही सिंपल, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। 3D में हम किसी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? हमारे पास एक लाइन दे रखा होगा और उस पर एक पॉइंट दे रखा होगा P x1 y1 z1 और उसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा होगा ए आई कैप प्लस जी बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो होगा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वैक्टर, ये है इसका वैक्टर इक्वेशन। इसी को अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। और इसी को आप अगर लिखोगे स्केलर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? एक कार्टेशियन फॉर्म में एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में इसका कोफिशियंट ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। x1, y1, z1 तो हो गया पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है, जिसे हम a वेक्टर बोलेंगे। a वेक्टर क्या है यहाँ पे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 यानी पॉइंट वेक्टर बोल सकते हैं। और a b c जो होगा वो जो पैरेलल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, जैसे हम इसका इक्वेशन लिखना था पहले वेक्टर फॉर्म में लिखें
तो r वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट हो जाएगा a वेक्टर, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा टाइम, ये हो जाएगा हमारा b वेक्टर, यानी कि 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना जाए तो x माइनस, ये सब पॉइंट हो गया, x माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन में इसका कोफिशियंट क्या 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन में 3। तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर से कार्टेशियन में भी बदल सकते हो, कार्टेशियन से वेक्टर में भी आसानी से बदल सकते हो। अभी मैं एक और क्वेश्चन लेके और क्लियर कर देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे मैं वेक्टर फॉर्म दे रखा है लाइन का, इसे कार्टेशियन फॉर्म में करना है, या कार्टेशियन दे रखा है मैं वेक्टर फॉर्म में करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए क्या फॉर्मूला था, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन में c। x1 y1 z1 ये होता पॉइंट, और वेक्टर फॉर्म में ये वाला पॉइंट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो आपको यहाँ से लेना है पॉइंट, तो पहला पॉइंट हो गया माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और डायरेक्शन रेशियो यहाँ से लेना था, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो माइनस 3 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन हो जाएगा हमारा 2 और अपॉन में ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आ जाएगा 1। तो ये हो गया वेक्टर से कार्टेशियन। अब कार्टेशियन से वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो ए हो गया पॉइंट वेक्टर जो कि ऊपर लिखा होता है, तो ए वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो लिखोगे माइनस 3i कैप, माइनस है तो लिखोगे प्लस का j कैप, और माइनस है तो लिखोगे प्लस का 6k कैप। ये ए वेक्टर हो गया, और b वेक्टर जो नीचे डायरेक्शन लिखा होगा वो होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो r वेक्टर किसके इक्वल हो गया, माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं वेक्टर से स्केलर, स्केलर टू वेक्टर। देखिए बच्चों नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल निकालना, मतलब उसके डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालना था। लाइन का डायरेक्शन कौन दिखा था, बी वाला वेक्टर। तो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला था, वेक्टर में हमने पढ़ लिया था कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमें निकालना है b1 और b2 के बीच का एंगल, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड इनटू में b2 का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर के बीच में। छोटा सा एग्जांपल लेके समझा भी देता हूँ इसे। जैसे देखिए हमारे पास ये दो वेक्टर दे रखा है, इसके बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा बच्चों b1 वेक्टर और ये हो जाएगा b2 वेक्टर। आसानी से निकाल दीजिए, डॉट कर दीजिए b1 डॉट b2, 1 इंटू में 2, डॉट करेंगे तो 1 इंटू में 3, 1 इंटू में माइनस 1 ये आ गया, अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड ये रूट 3 आ जाएगा, b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना 4 और एक 5 9 5 14 आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना 4 अपॉन में अंडर रूट 42। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 4 अपॉन में अंडर रूट 42। तो इस तरह से हम दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन, दो लाइन है बेटा इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये होता है ए टू माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर अपॉन में बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो वैल्यू आएगी बेटा यही होगा दो एसक्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए वन ए टू आप आसानी से पहचान सकते हो, बी वन बी टू आप आसानी से पहचान लोगे इक्वेशन में जब दिया रहेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा तो ऊपर ए वन होगा नीचे होगा बी वन, और वेक्टर फॉर्म में तो ये वाला ए वन वैक्टर और लैम्डा का जो साथी होगा वो बी वन वैक्टर होगा। उसी तरह अगर दो पैरेलल लाइन हो उसके बीच का हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाए डी इज इक्वल टू ए टू यानी कि b वेक्टर क्रॉस
ए टू माइनस ए वन वैक्टर अपॉन में बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर इन सब का भी क्या लेना होगा आपको, मैग्नीट्यूड। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब हम बात करते हैं प्लेन। तो प्लेन जब भी आएगा अपने साथ एक नॉर्मल लेके आए, जब भी प्लेन आएगा अपने साथ एक नॉर्मल जरूर लाएगा, इस तरह का होगा प्लेन। तो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ये जो नॉर्मल वेक्टर है एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट होता है वही नॉर्मल वेक्टर होता है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, ये आपको याद रखना, ये जनरल फॉर्म है प्लेन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट देखो बच्चों, दो प्लेन हमारे पास दे रखा है, दोनों का इक्वेशन दे रखा है। देखिए तो n1 वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, n1 वेक्टर हो जाएगा बच्चों ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। उसी तरह से n2 वेक्टर आ जाएगा। तो आप आसानी से, अगर ये आपके पास दो प्लेन दे रखा हो, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल होगा, अगर P1 पैरेलल टू P2 होगा, दो प्लेन पैरेलल होगा तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, पैरेलल। तो उसका नॉर्मल अगर पैरेलल होगा तो ये हो गया ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और ये हो गया ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। ये दोनों अगर प्लेन नॉर्मल पैरेलल होगा तो उसके नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल। तो इसका मतलब ए वन अपॉन ए टू किसके इक्वल होगा, बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उसका नॉर्मल भी एक दूसरे को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस C1 C2 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब ध्यान से देखिए, जब प्लेन पैरेलल तो नॉर्मल भी पैरेलल, प्लेन परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। दो प्लेन के बीच का एंगल मतलब उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, तो अगेन दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन में ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो हमें एंगल निकालना है वो दो वेक्टर है n1 और n2, तो क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड इनटू में n2 का मैग्नीट्यूड। आसानी से आप प्लेन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। हमारे पास एक प्लेन दे रखा होगा, उसका तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा होगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन में b प्लस z अपॉन में c इज इक्वल टू वन। ये a b c क्या, उस प्लेन का तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी के कटिंग। और अगर कोई प्लेन ऐसा हो जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो तो उस प्लेन का इक्वेशन, देखो एक्स वाई के पैरेलल है तो इक्वेशन लिखना जेड इज इक्वल टू सी। अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन है तो उसका इक्वेशन, वाई जेड है ना तो उसका नाम लिखना एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर कोई प्लेन एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है तो उसका नाम लिखना वाई इज इक्वल टू बी। ये तीनों प्लेन का ही इक्वेशन है, तीनों ही प्लेन का इक्वेशन है, एक एक्स वाई के पैरेलल, एक वाई जेड के पैरेलल और एक एक्स जेड के क्या है, पैरेलल। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, किसी पॉइंट पी का किसी प्लेन से कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दीजिए, यानी एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन और जेड की जगह क्या पुट कर देना है, जेड वन, जो भी पॉइंट दे रखा हो, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर एंड जेड के कोफिशियंट का स्क्वायर। यही होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। दो प्लेन अगर पैरेलल है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, बस इन दोनों के बीच का, ये सब तो सेम ही होगा या प्रोपोर्शनल होगा, तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डी वन माइनस डी टू अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर क्या ले लेना मोड, दो प्लेन पैरेलल कैसे पता चले, जैसे ये टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो दे रखा हो, और दूसरा फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस
8z प्लस में 9 दे रखा हो, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस में 9/2 इक्वल टू 0, ये 2 इधर चला जाएगा तो d1 हो जाएगा हमारा 5 और d2 हो जाएगा 9/2, और ये फॉर्मूला आसानी से लगा देंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन यानी फैमिली ऑफ प्लेन, इसका इक्वेशन होता है p1 प्लस लैम्डा टाइम p2 इज इक्वल टू 0। इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी लिखा दिया। अब ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्फीयर का, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें इसका जो सेंटर होगा वो होगा ए कॉमा बी कॉमा सी, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा बच्चों आर। बट अगर इसे, और बच्चों अगर हम स्फीयर के जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz माइनस ए प्लस का डी इक्वल टू 0। तो ये अगर जनरल इक्वेशन दे रखा होगा तो इसमें जो आपको सेंटर निकालना, वो सेंटर क्या होगा, देखिए माइनस यू माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू, यानी कि जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसको हाफ करके तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स के कोफिशियंट जो भी लिखा हो उसको हाफ करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और जेड का कोफिशियंट जो भी लिखा होगा उसको हाफ से करके माइनस से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। और रेडियस कैसे निकालोगे,